नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप गुलेरिया आपके अपने प्रॉपर्टी चैनल प्रणव रियल स्टेट से। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर आपके लिए एक नई लोकेशन पे और एक नए प्रोजेक्ट पे। तो दोस्तों अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हर्मिटेज सेंट्रलिस के नाम से ये प्रोजेक्ट है। और अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो जीरकपुर में, जो जीरकपुर का मेन वीआईपी रोड है उसके साथ में लगता हुआ ये प्रोजेक्ट है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट का फ्रंट गेट रहने वाला है, मेन गेट रहने वाला है ये। और आप इस प्रोजेक्ट के आसपास भी आप देखेंगे तो कमर्शियल आपको यहाँ पे साथ में लगता हुआ नज़र आएगा। मैं अपने कलीग को कहूँगा आप ये देखिए, ये कमर्शियल साथ में यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के साथ में ही आपको मिलने वाला है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब ब्रांड्स आपके जो सब डेली नीड्स की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं सब आपको यहीं पे मिलने वाली हैं। तो दोस्तों जैसे कि अगर मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट जो है वो एक गेटेड सोसाइटी है। ये बिल्कुल एक गेटेड सोसाइटी में हम जो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पे रहने वाली हैं, मिलने वाली हैं। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो प्रोजेक्ट जो है वो 10 एकड़ में ये प्रोजेक्ट है, जिसमें 9 एकड़ में रेजिडेंशियल जो है आपके फ्लैट्स रहने वाले हैं। रेजिडेंशियल एरिया जो है वो 9 एकड़ में रहने वाला है और 1 एकड़ में आपका ये कमर्शियल जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपका 1 एकड़ में कमर्शियल आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए आइए हम अपने प्रोजेक्ट को विजिट करते हैं। तो दोस्तों अब हम अपने सैंपल फ्लैट की तरफ बढ़ेंगे। तो सैंपल फ्लैट में जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ का आइडिया दे दूँ कि जैसे हम अपने सैंपल फ्लैट में एंटर करते हैं तो नीचे हमारा जो है वो स्टिल्ट पार्किंग रहने वाला है। चेयर्स का साइज़ आप देख सकते हैं, चेयर्स इस साइज़ में हमें मिलने वाली हैं। और यहाँ पर हमारे पास यहाँ लिफ्ट रहने वाली है यहाँ पर। और इस फ्लोर की बात करूँ तो इस फ्लोर में दो फ्लैट्स आएंगे, एक आपका राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने सैंपल फ्लैट में। तो सैंपल फ्लैट में एंटर करने पे सबसे पहले मैं बात करूंगा डोर की। तो आप ये डोर देख सकते हैं, 8 फीट का आपको ये डोर रहने वाला है और स्मार्ट होम कंसेप्ट के ऊपर है ये। डिजिटल आपको ये आपका लॉक रहने वाला है यहाँ पे। और आइए हम बढ़ते हैं अपने ड्राइंग डाइनिंग एरिया की तरफ। तो आप ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया आप ये देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस ये मैं कह सकता हूँ ड्राइंग डाइनिंग आपका एरिया ये रहने वाला है। आप ये देख सकते हैं काफ़ी स्पेस आपको ड्राइंग डाइनिंग एरिया में मिलने वाला है। तो आप इजीली अपना यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 7 सीटर सोफ़ा आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपकी एक फ्रेम आपको मिलने वाला है, जिसमें आपका मैश डोर का और इसी के साथ आपको ग्लास डोर भी साथ में अवेलेबल रहेगा। और अगर मैं बात करूं अपनी बालकनी की तो आप ये बालकनी देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस आपकी ये बालकनी रहने वाली है। फ्रंट में जो आपको बालकनी मिलेगी और यहां से आपका जो व्यू है बहुत प्यारा व्यू रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सामने जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर आपका ग्रीन एरिया रहेगा। बेसमेंट पार्किंग भी मिलेगी आपको और स्टिल्ट पार्किंग भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे बेसमेंट पार्किंग के ऊपर आपका ये सारा ग्रीन एरिया आपको सबका ये रहने वाला है। तो काफ़ी अच्छा व्यू आपका यहाँ से सामने रहेगा। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने ओपन किचन की तरफ, मॉड्यूलर ओपन किचन में। बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस जगह का, जैसे आप आइडिया लगा ही सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 7 सीटर सोफा प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर आपका डाइनिंग टेबल ईजिली प्लेस हो जाएगा,
ताकि डाइनिंग टेबल के साथ में ही अपना, अगर हम बात करें यहाँ पे ओपन मॉड्यूलर किचन की, तो आप ये ओपन मॉड्यूलर किचन देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस मैं कहूँगा आपको ये ओपन मॉड्यूलर किचन मिलने वाला है आपको। और आप कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, टाइल वर्क वुडन का जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ग्रेनाइट मार्बल के साथ आपके जो कैबिनेट्स हैं आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। और ये देख सकती है काफ़ी स्मूथ क्लोजर के साथ आपको ये सारे कैबिनेट्स और ड्रॉर्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे भी आपको ये हाइड्रोलिक आपको ये कैबिनेट्स ये रहेंगे, और इधर भी कैबिनेट्स जो हैं आपको, आप क्वालिटी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी यूज़ की गई है यहाँ पे। तो स्पेस की किचन में आपको कोई कमी नहीं रहने वाली, तो आपको काफ़ी अच्छा स्पेस आपको किचन में मिलने वाला है। और इधर भी आपको ये ड्रॉर्स अवेलेबल रहेंगे, तो ड्रॉर्स की आपको किचन में कोई भी कमी नहीं रहने वाली। और ये सिंक की अगर मैं बात करूँ तो नॉइस फ्री सिंक है ये आपको, और जितने भी ये आपकी जो फिटिंग है टैप फिटिंग है वो आपको कॉलर ब्रांड की टैप से ही मिलने वाली है। और चिमनी का आप ये देख सकते हैं, इस तरह से आप प्रोविजन चिमनी के लिए कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें किचन के साथ ही पीछे हमें ये यूटिलिटी एरिया मिल जाता है। और इसके साथ अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे इसको, ये जो एरिया है ये दो तरह से कनेक्ट होता है, एक आपका ड्राइंग रूम के साथ में जो लगता, किचन के साथ लगता हुआ रूम जो है वहाँ से कनेक्ट हो रहा है, एक आपका किचन से कनेक्ट हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा आपको स्पेस यहाँ पे बालकनी में मिल जाता है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने रूम की तरफ। तो हम बात करेंगे अपने फर्स्ट बेडरूम की। तो फर्स्ट बेडरूम आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे साइज में, तो स्पेस आप देख सकते हैं काफ़ी डिसेंट स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूँ कबर्ड्स की, तो कबर्ड्स आपको ये देख सकते हैं इस हाइट में आपको कबर्ड्स मिलने वाले हैं, और स्पेस आपको कबर्ड्स में अवेलेबल रहेगा। और क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे यूज़ की गई है, तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बालकनी की, तो इस रूम के साथ भी आपको बालकनी कनेक्ट होती है। तो बालकनी आप ये देख सकते हो दोनों ही जैसे दो जगह से आपकी बालकनी कनेक्ट होती है, एक आपकी डाइनिंग एरिया से कनेक्ट होती है, एक आपकी बेडरूम से कनेक्ट होती है। तो इसी के साथ हम बात कर रहे हैं अपने वॉशरूम की, जो कि कनेक्ट रहेगा आपका ड्राइंग एरिया के साथ आपका रूम से भी, बेडरूम से भी। तो ये आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डिसेंट साइज में आपको ये स्पेस मिलने वाला है वॉशरूम का भी। नीचे आपकी एंटीस्किड टाइल्स रहेंगी, और जो सीलिंग हाइट है आप ये देख सकते हैं फुल सीलिंग हाइट आपको मिलने वाली है। और वैनिटी यहाँ पे अवेलेबल रहेगी आपको, और अगेन कॉलर ब्रांड फिटिंग्स जो है टैप्स बार टैप्स यहाँ पे आपके सारे कॉलर ब्रांड फिटिंग के रहने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने दूसरे बेडरूम की तरफ। तो दूसरा बेडरूम आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे स्पेस में, काफ़ी डिसेंट स्पेस में आपको ये बेडरूम आपका ये मिलने वाला है आपको। और इसी के साथ अगर हम बात करें कबर्ड्स की, तो कबर्ड्स आपको इस हाइट तक आपको स्लाइडिंग आपके ये कबर्ड्स रहने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है कबर्ड्स में भी। स्लाइडिंग डोर आपके ये कबर्ड्स के रहने वाले हैं। और इसी के साथ हम बात करें अपना वॉशरूम की, अटैच्ड वॉशरूम। तो अटैच्ड वॉशरूम आपका आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे स्पेस में आपको यह वॉशरूम यहाँ पे भी मिलने वाला है। सेम आप ये देख सकते हैं आपकी जो टाइल्स हैं वो सीलिंग हाइट रहने वाली है, एंटीस्किड टाइल्स आपको मिलने वाली है, और बाथ फिटिंग सारी आपकी कॉलर ब्रांड की रहने वाली है। वैनिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपकी जो फिटिंग है एसी फिटिंग आपको हर रूम में मिलने वाली है। तो मैं बात करूँ यहाँ पे बालकनी की, अटैच बालकनी, तो यहाँ पे भी आपको अटैच बालकनी इस रूम के साथ भी मिल जाती है। और आपको ये हर रूम में आप ये देख सकते हैं आपको वैश मैश डोर जो है आपको हर रूम में अवेलेबल रहेगा, और ग्लास डोर भी आपको हर रूम में अवेलेबल रहेगा। तो आइए हम बात करें, तो आइए हम, ये आप बालकनी का साइज देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया बालकनी जो है
दोनों तरफ से कनेक्टेड है, आपकी किचन से भी कनेक्टेड है और आपकी रूम से भी कनेक्टेड है। काफ़ी स्पेस हमें बालकनी का यहाँ पे मिल जाता है। चलते हैं अपने तीसरे बेडरूम की तरफ। तो ये हमारा थर्ड बेडरूम रहने वाला है। तो आप ये इसका भी आप स्पेस देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है, डिसेंट स्पेस। और अगर बात करें यहाँ पे कबर्ड्स की, तो कबर्ड्स आपको यहाँ पे भी स्लाइडिंग डोर के साथ में एक डिफरेंट प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे कबर्ड्स मिलने वाले हैं। और स्पेस आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो स्पेस की आपको यहाँ पे भी कोई कमी नहीं होने वाली। और इसके साथ हम बात करें वॉशरूम की, तो वॉशरूम आप ये देख सकते हैं, अटैच वॉशरूम यहाँ पे भी आपको काफ़ी स्पेशियस मैं कह सकता हूँ, एक डिसेंट साइज में आपको ये वॉशरूम मिलने वाला है। और टाइल हाइट्स आपकी सीलिंग तक रहने वाली है, और आपको यहाँ पे नीचे फ्लोर पे इंडिस्केट टाइल्स मिलने वाली हैं। और फिटिंग बाथरूम की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कॉलर ब्रांड फिटिंग आपकी रहने वाली है विद विनिटी के साथ। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि एक बेहद शानदार प्रोजेक्ट के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये प्रोजेक्ट जो है जीरकपुर में VIP रोड के साथ में लगता हुआ प्रोजेक्ट है। और अगर मैं इन डिटेल प्रोजेक्ट में बात करूं, जैसे कि आपने सैंपल फ्लैट अभी देखा, और अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं, तो प्रोजेक्ट जो है वो 10 एकड़ में ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, जिसमें 9 एकड़ आपका जो है वो रेजिडेंशियल जो है वो रहेगा, 1 एकड़ जो है वो आपका कमर्शियल यहाँ पे रहने वाला है। और जैसे कि हम एक उम्मीद भी करते हैं, एक प्रोजेक्ट में हमें फीचर फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपको सब यहाँ पे भी मिलने वाली है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सिक्योरिटी यहाँ पे 24x7 रहने वाली है, वाटर सप्लाई यहाँ पे 24x7 रहने वाला है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं क्लब हाउस की, तो क्लब हाउस फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जिम का स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जिम एरिया आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूँ, स्विमिंग पूल आपको यहाँ पे मिलने वाला है, इसके अलावा किड्स एरिया आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो एक बेहद शानदार प्रोजेक्ट गेटेड सोसाइटी में, और फीचर फैसिलिटी की अगर मैं बात करूँ, तो फुली लोडेड आपको ये यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर मैं यहाँ पे 3 BHK का अगर मैं साइज़ की बात करूँ, और एक मैं आपको ये भी और भी बताऊं कि हमारे पास यहाँ पे जो है 3 BHK और 4 BHK जो है वो दोनों ही अवेलेबल रहेंगे। तो 3 BHK का जो सबसे जो स्टार्टिंग जो एरिया है वो 1450 square feet का है, और अगर मैं उसकी डिमांड की बात करूं, आस्किंग की बात करूं, तो वो आपका 65 lakh जो है बिल्डर का आस्किंग प्राइस है। तो बाकी ऑप्शंस भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे 3+1 के कंसेप्ट में भी हमारे पास यहाँ पे फ्लैट अवेलेबल रहेंगे, 4 BHK भी अवेलेबल रहेंगे। तो हमारे जो भी व्यूअर्स कुछ ऐसा अपना गेटेड सोसाइटी में 3 BHK 4 BHK अगर देख रहे हैं, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा उन व्यूअर्स को कि एक बार वो प्रोजेक्ट में आएँ, साइट को एक बार देखें, और आगे का वो डिसीज़न ले सकते हैं उसके ऊपर। तो बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट मैं कहूँगा। और दोस्तों, आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलते हैं नए प्रोजेक्ट पे, नई प्रॉपर्टी पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।